मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित केसरी और आज मैं आपके बीच लाया हूँ 1000 क्वेश्चन सीरीज जीएस के पार्ट थर्ड को। इसे मैं कोशिश करूँगा कि 150 क्वेश्चन आपको करवाऊँ। पहले 2 पार्ट आ चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो 151 से लेकर 300 क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊँगा। एक एक करके मैं पढ़ता जाता हूँ, आप इसे देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो 151 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। 152 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसका आंसर नालंदा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ, ये यूनिवर्सल डोनर है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका आंसर 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका आंसर है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? इसका आंसर है कोपरनिकस। 161 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। आंसर इसका 165 क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। 166 है क्वेश्चन नंबर, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर है सिंगापुर। 169 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 सितंबर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर, खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। 172 क्वेश्चन नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, करो या मरो का नारा किसने दिया? इसका आंसर है महात्मा गांधी। 174 नंबर क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर है 175 का क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 176 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 179 क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? यह इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 180 नंबर, 180 नंबर का क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। 181 क्वेश्चन नंबर, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? इसका आंसर है मंगल पांडे। 182 नंबर क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, का नारा किसने दिया? इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। 183 क्वेश्चन नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। 184 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय आंसर है। 185 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 189 नंबर क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है महात्मा गांधी। 190 क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर है भारत रत्न। 191 नंबर क्वेश्चन, विश्व के क्षेत्र में
फिल्म के क्षेत्र में, सॉरी 191 नंबर, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। इसका आंसर है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कालिदास को। 194 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। 195 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी, इसका आंसर है यूरी गगारिन, रूस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर, चंद्रमा पर कदम रखने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर है राकेश शर्मा। 198 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? इसका आंसर है आर्यभट्ट, सन 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका आंसर है बान की मून। इसे आप करंट से अपडेट होइएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये समय के साथ ही चेंज भी होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका आंसर है ग्नासे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका आंसर है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका आंसर है 22। 206 नंबर, चीन की मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर है युआन। 207 नंबर क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है हेनरी डुनांट। नेक्स्ट क्वेश्चन से 208 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका आंसर है एनीमिया। 208 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं टोटल। ये थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें 151 टू 300 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर, भारत कोकिला कौन कहलाती है? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। 210 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, इसका आंसर है। 212 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य, क्वेश्चन पहले भी एक बार मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, 213 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 214 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है काठमांडू नेपाल में है। 215 नंबर, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके 8 देश सदस्य हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 8 देशों में भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये टोटल 8 कंट्री इसके सदस्य हैं। 216 नंबर क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 7516 किलोमीटर। 217, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 नंबर, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है बेरीबेरी। 220 क्वेश्चन नंबर है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर है स्कर्वी। 221 नंबर है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? इसका आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222, 222, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। 223 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? इसका आंसर है विटामिन के। 224 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है बांझपन। क्वेश्चन नंबर 225 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। 226, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका आंसर है ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर NaCl। 228 नंबर क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका आंसर है तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इसका आंसर है कॉर्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसका आंसर है विटामिन बी12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234 नंबर,
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। 235 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? इसका आंसर है अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237 नंबर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? इसका आंसर 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? इसका आंसर है राजा प्रथम चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241 नंबर, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 242, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा या किस देश में आयोजित हुआ? इसका आंसर है ब्राज़ील। ये फास्ट का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ये भी इसका भी आंसर होगा रूस। ये भी ओल्ड क्वेश्चन है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 244 नंबर, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ खेले गए? इसको समझ लीजिए, ये स्कॉटलैंड में हो चुका है, ग्लासगो में। उसी तरह 245 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ यह होगा? इसका है तो ये भी हो चुका है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये हो चुका है, ठीक है। अब 246 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। 247 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। 247 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 370, जो कि अब हट चुका है, तो इस क्वेश्चन की कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, इसको आप नहीं याद करें, ठीक है। फिर भी अगर पूछा जा भी सकता है, ठीक है। 249 नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है एशिया। इसके साथ ही देखिए तो कहीं कहीं आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी 50 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 251 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? इसका आंसर है मूसी। 252 नंबर क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है मैक्सिको। 253 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर है वेटिकन सिटी। 254 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। 255 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 नंबर, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर है सिलवासा, ठीक है। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 अप्रैल। 259 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? इसका आंसर है उत्तराखंड में। 260 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर है जूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है इसका प्रधानमंत्री, अब नीति आयोग बन गया, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 262 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था? इसका आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है टेनिस से। 264 नंबर क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर है चितरंजन दास। 265 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? इसका आंसर है 24। 266 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? इसका आंसर है राजा हरिश्चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर है स्टेपीज। 268 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर है फीमर, ब्रैकेट में लिखा जांघ की हड्डी होती है। 269 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? इसका आंसर है 639, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन 270 नंबर, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर है 120 दिन। 271 नंबर क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन, ठीक है, ग्लेविनीकरण कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं इंग्लिश में यहाँ गैल्वनाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272 नंबर क्वेश्चन,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? इसका आंसर है यकृत। 273 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डिगबोई, असम में है, ठीक है। 274 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। 275 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर है कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 277 नंबर, 277, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? इसका आंसर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278, श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? आंसर दूध होगा। 279, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इसका आंसर है फेयर क्वीन। 280 नंबर, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? इसका आंसर चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 नंबर, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका आंसर आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश डिवाइड हो चुका है 2014 में और तेलंगाना भी एक नया राज्य बन चुका है, ठीक है। 282 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में हमला किया था। 283 नंबर क्वेश्चन, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? इसका आंसर है मेगस्थनी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 284 क्वेश्चन नंबर देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर है सिलोन। 285 नंबर क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की? इसका आंसर है फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 286 नंबर, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? इसका आंसर है आयरन क्रोमियम निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 नंबर, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? इसका आंसर है कॉपर 13। 288 नंबर क्वेश्चन,